नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आइए आज हम देखेंगे हड़प्पाकालीन आर्थिक जीवन। ये सभी कुछ सिलेबस पर आधारित है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो आइए हम देखते हैं, इसमें 5 पॉइंट हैं, जैसे देख रहे हैं कृषि, पशुपालन, कपड़े बुनना, उद्योग और व्यवसाय, और अंत में व्यापार के बारे में वर्णन किया गया है। तो चालू करते हैं हम पहले पॉइंट से, कृषि। कृषि जो इनका प्रमुख व्यवसाय था, आगे आकर वैदिक सभ्यता के टाइम पे पशुपालन का प्रमुख व्यवसाय हो जाएगा। तो जैसे हम देखते हैं कृषि प्रमुख व्यवसाय है, यहाँ पर गेहूँ, जौ, कपास, तिल आदि के बारे में इनके अवशेष प्राप्त होते हैं। और हम देखते हैं कि यह वर्षा आधारित फसलें थीं, यहाँ पर कोई सिंचाई की बहुत प्रमुख व्यवस्था नहीं थी। और जैसे अनेक इतिहासकार बोल रहे हैं कि इसके पतन के कारणों में बार बार बाढ़ का आना है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये दोआब क्षेत्र में भी था और काफ़ी कुछ नदियों के किनारे पर अवस्थित था। इस कारण से बार बार नया पानी जो आता था या बाढ़ का पानी जो आता था, उसके बाद नई मिट्टियाँ आती थी। इस कारण से यहाँ पर उर्वरता काफ़ी अधिक थी। यहाँ पर हालांकि लोथल में चावल का साक्ष्य मिला है, चावल की भूसी का, परंतु अनेक इतिहासकार यही कहते हैं कि चावल का ज्ञान इन्हें नहीं था। अब देखते हैं हम फलों के बारे में, तो नारियल, तरबूज इत्यादि ऐसे कुछ फल थे जिनके बारे में इन्हें जानकारी प्राप्त थी। अब देखते हैं हम अपना सेकंड पॉइंट, पशुपालन। तो पशुपालन में हम देख रहे हैं कि अश्व से अपरिचित थे। प्री का सबसे बड़ा फैक्ट है, अनेक बार ये क्वेश्चंस आ चुके हैं कि क्या हड़प्पावासी अश्व के ज्ञान से परिचित थे। तो इसका आंसर है नहीं, अश्व के ज्ञान से परिचित नहीं थे। हालांकि कृषि इनका प्रमुख व्यवसाय है, तो सीधी सी बात है बैल इनका प्रमुख पशु था, बैल और गाय। और यहाँ पर हम देखते हैं कि धार्मिक जीवन में बैल इनका सबसे पूजनीय पशु बन जाएगा, क्योंकि कुबड़ वाला सांड जो कि आदि पशुपतिनाथ के मूर्तियों के पास से या सिक्कों मुहरों के पास से प्राप्त होता है। तो इसी के आधार पर कह सकते हैं कि बैल इनका प्रमुख पशु था गाय के साथ साथ। तो हम देखते हैं हमारा थर्ड पॉइंट है कपड़े बुनना, अर्थात कपड़ों के बारे में, सूती वस्त्र उद्योग। तो हम देखते हैं कि सूती और वस्त्र के बारे में प्राचीन काल से ही हमारा भारत हमेशा से समृद्ध रहा है। इनका दूर दूर तक व्यापार और व्यवसाय संचालित होता था। तो सूती कपड़े के बारे में खुदाई में भी सूती काटने के चरखे और तकलियां प्राप्त होती हैं, जिसके साक्ष्य हमें कई जगह से मिलते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम लोथल से देख लें तो वह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था जहां पर से इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब हम आते हैं हमारे अगले पॉइंट की ओर, उद्योग और अन्य व्यवसाय के बारे में। तो हम देखते हैं कि लोहे से अपरिचित थे, ये भी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मानव सभ्यता जो थी वो लोहे के ज्ञान से 1000 BC के आसपास परिचित हुई थी, उसके पूर्व नहीं। तो हम कह सकते हैं कि लोहे के ज्ञान से अपरिचित थे। हालांकि जैसे कि इसे कहते हैं कांस्ययुगीन सभ्यता या ताम्रयुगीन सभ्यता, तो अर्थात कहा जा सकता है कि तांबे से परिचित थे और तांबे और टिन के मिश्र धातु से भी परिचित थे, जिसे हम कांसा कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में। तो हम कह सकते हैं कि इनके पास मशीनी ज्ञान भी काफ़ी हद तक था, तभी मशीन और रसायन के प्रयोग के द्वारा इन्होंने कांसे का निर्माण किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि लोथल से मनके बनाने का कारखाना प्राप्त होता है। इसी के साथ हम देखते हैं हमारा अंतिम पॉइंट, व्यापार। तो व्यापार में हम जानते हैं कि औषधियों के मामले में भारत हमेशा से ही समृद्ध रहा है, और 17वीं शताब्दी तक, ईसा पूर्व की नहीं, ईसा बाद की 17वीं शताब्दी तक भी औषधियों का व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी और बाहर की कंपनियों तक से चला है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल से औषधियों के मामले में और कपास के मामले में भारत समृद्ध रहा है। आसपास के कई देशों में इसका व्यापार होता रहा है, जैसे मिस्र, मेसोपोटामिया इत्यादि में इसका व्यापार बराबर रूप से होता रहा है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह आर्थिक जीवन का यह वीडियो समाप्त होता है। आशा है आपको यह वीडियो परीक्षा उपयोगी लगी होगी और पसंद भी आई होगी। तो अगले वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।